फ्रेंड्स, आई एम राजेश। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लॉजिकल ट्री एंड विजुअल ट्री। लॉजिकल ट्री क्या होता है? द लॉजिकल ट्री रिप्रेजेंट द एसेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ यूआई। यूआई के एसेंशियल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब जो दिखाई देता है। इफ यू हैव अ ग्रिड दैट कंटेन अ बॉटम, लॉजिकल ट्री विल बी लाइक विंडो। ठीक है, लॉजिकल ट्री क्या किस तरह विंडो की तरह होता है। लॉजिकल ट्री डज नॉट शो द इनर कंट्रोल ऑफ ट्री। तो लॉजिकल ट्री क्या होता है? जैसे कि मेरे पास ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, विंडो है, विंडो के अंदर ग्रिड है, ग्रिड के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ से एक मैं बटन को डाल देता हूँ। यहाँ से मैं एक बटन को ऐड कर दिया। बटन के साथ और क्या हम करना पड़ेगा, इसकी प्रॉपर्टी, जैसे जो कंटेंट मैं डाल देता हूँ, क्लिप। ठीक है, अब इसके अलावा भी बटन के और भी जैसे जो प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे क्लिक हियर मैं लिख दिया। इसके अलावा मैं क्या करता हूँ, हाइट और विड्थ बटन का डाल देता हूँ। तो बटन का हाइट जो है मैं कर देता हूँ 80 पिक्सल्स और विड्थ मैं कर देता हूँ 200। ठीक है, ये क्या हुआ, ये बटन है जिसका विड्थ और हाइट और ये हमारा, तो इसके इसमें क्या होता है, इससे विंडो आ गया, विंडो के अंदर ग्रिड आ गया, ग्रिड के अंदर बटन हो गया। तो ये एक तरह का क्या होता है हमारा, एक तरह का हमारा क्या होता है, लॉजिकल ट्री होता है। ठीक है, तो विजुअल ट्री क्या होता है? तो विजुअल ट्री रिप्रेजेंट ऑल ऑफ द एलिमेंट इन आवर यूआई विच आर रेंडर्ड ऑन द स्क्रीन। ठीक है, जैसे कि हमारा रेंडर हो गया मेन विंडो के अंदर बॉर्डर, बॉर्डर के अंदर एडोर्नर, डेकोर्डर के अंदर कंटेंट प्रेजेंट और कंटेंट प्रेजेंट के अंदर ग्रिड, ग्रिड के अंदर बटन। ये हमारा क्या होता है, विजुअल ट्री होता है। तो विजुअल ट्री को देखने के लिए हमको क्या करना होगा, इस बटन का क्लिक इवेंट में जनरेट करता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ F5 करके। ठीक है, अब जैसे ही मैं डिबगर लगाया और इसको F5 करके रन किया, अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो मेरा ये चीज़ यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से देखो व्यू पर क्लिक करूँगा और व्यू WPF प्री विजुअलाइजर पर यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। ये WPF प्री विजुअलाइजर हमको क्या करेगा, कुछ इस तरह से हमारा कंपोनेंट खुल के आ गया। अब इसमें इस बटन के इवेंट पर क्या क्या, जैसे मेन विंडो पर गया, बॉर्डर पर गया, एडोर्नर डिकोडर के ऊपर गया, उसके बाद कंटेंट प्रेजेंटर के ऊपर गया, ग्रिड के ऊपर गया, ग्रिड के बाद बटन के ऊपर, बटन के बाद बटन बॉर्डर, बटन बॉर्डर के अंदर कंटेंट प्रेजेंटर और कंटेंट प्रेजेंटर, कंटेंट प्रेजेंटर के अंदर कुछ भी नहीं, उसके बाद हमारा टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा, कंटेंट टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। ये हमारा इस तरह से क्या होता है, फ्री होता है ये। फिर एडोर्नर लेयर आ जाएगा और फिर इसी के हिसाब से हमारा ये फ्री होगा बेसिकली। ठीक है, आप एक एक चीज़ को यहाँ से क्लिक करके देख सकते हो। मेन विंडो पर आ गए, बॉर्डर पर आ गए, उसके बॉर्डर दिखा दिया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ से आया, फिर ग्रिड पर आया, ग्रिड के बाद बटन पर क्लिक किए, बटन के बॉर्डर पर क्लिक किए, देन हमारा ये हुआ। तो ये इस तरह का होता है, विजुअल ट्री होता है बेसिकली। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, .NET वेब API के WPF के अंदर कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, द विजुअल ट्री रिप्रेजेंट ऑल ऑफ द एलिमेंट इन आवर UI विच आर रेंडर्ड ऑन द स्क्रीन। तो ये हमारा क्या होता है, लॉजिकल ट्री एंड विजुअल ट्री में क्या होता है, डिफरेंस होता है WPF के अंदर।